डेक्कन जनरलमध्ये आपले स्वागत आहे। महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा नांदेड जिल्हा काँग्रेसचे सर्वेसर्वा अशोक चव्हाण यांचे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश होणार अशी सोशल मीडियावर खूप चर्चा चालू आहे। यातच नांदेड जिल्हा ओबीसी सेलचे उपाध्यक्ष बाबू गोपनपल्ले यांच्याशी या चर्चेविषयी आमचे संवाददाता अब्दुल रजाक यांनी खास मुलाखत घेतली। पाहूया ही खास मुलाखत। भाजपा ओबीसी जिल्हा उपाध्यक्ष बाबू गोपनपल्ले आज इनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र के एक सीएम अशोकराव चव्हाण कि ऐसी कुछ मीडियाओं के अंदर चर्चा है कि वो बीजेपी प्रवेश हो रहे हैं। बीजेपी में किससे उनका संपर्क हुआ क्या? महाराष्ट्र के एक सीएम अशोक चव्हाण ये भाजपा में आ रहे हैं ये हमें आपकी तरफ से ही मालूम हुआ है। वो किनसे मिले क्या मिले वो हमें तो पता नहीं है, मगर ये जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा है उसके माध्यम से हमको पता लगा है। मगर वो वरिष्ठ है, एक सीएम है, वो बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता के साथ मिल भी सकते हैं, वो हमारे को कुछ पता नहीं है। और उन्होंने अगर यहाँ पर आएंगे तो इस हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, पर हमारी पार्टी नेता से नहीं चलती, कार्यकर्ता से चलती है। इस पार्टी में शामिल होने के बाद उनको कार्यकर्ता रह के चलना पड़ेगा। वो कांग्रेस में जैसा थे वन मैन शो, वैसा इस पार्टी में नहीं चलता। इस पार्टी की संस्कार ऐसी है, ये पार्टी सबसे पहले पार्टी है फिर बाद में नेता है। हमारे यहाँ सबसे पहले पार्टी को सबसे अहम महत्व दिया जाता है, इसकी वजह से वो पार्टी में आए तो हमें कोई एतराज नहीं है। वो पार्टी में आएंगे तो कार्यकर्ता बन के रहना पड़ेगा, इतना ख्याल रखे वो इस हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए हमारी कोई हरकत नहीं है। वो आ सकते हैं हमारी पार्टी बड़ी करके। हमारा टारगेट है आने वाले 2024 में 400 प्लस का टारगेट है। इस टारगेट की वजह से हमें कोई भी हमारी पार्टी में आया तो हमें चलेगा। नहीं, अशोक राव चव्हाण के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और आपने खुद नगर पालिका मुदखेड़ के अंदर अशोक राव चव्हाण के ऊपर आरोप लगाया, तो आप उनको कैसा स्वीकार कर सकते हो? मैंने भ्रष्टाचार के आरोप अशोक चव्हाण के ऊपर नहीं लगाए, मैंने वो भ्रष्टाचार के आरोप गुत्थेदार पे लगाए, जो एजेंसी काम कर रही है उस एजेंसी के ऊपर लगाए। उस एजेंसी ने अगर भ्रष्टाचार करा होगा तो एजेंसी उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। अशोक चव्हाण अगर उसमें कि अशोक चव्हाण का कुछ फायदा हुआ होगा उस वो भ्रष्टाचार के अंदर, तो उसकी जांच होने के बाद अशोक चव्हाण को भुगतना पड़ेगा। नहीं, आपने इससे पहले कहा कि बोकस बिल निकालने के लिए अशोक राव चव्हाण ने फोर्स किया, इसके बारे में? हाँ, मैंने तो बोला था अशोक चव्हाण बोगस बिल निकालने के लिए आए बोल के। अब वो बोगस बिल निकला या नहीं निकला वो देखेंगे, वो अशोक चव्हाण का भी काम है, काम सही पैसा जो जा रहा है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है वो देखना उनका काम है। अगर समझो वो भ्रष्टाचारी है तो उसकी चौकसी होने के बाद वो भ्रष्टाचार प्रूव हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप उनको स्वीकार करने के लिए तो राजी है, आपके पास आने से आपका उनका जो भ्रष्टाचार है वो धुला जाएगा क्या? नहीं, भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है वो तो चलते रहेगी, धुला नहीं जाएगा, कोई धुला नहीं जाएगा। अभी भी जो भाजपा में आए हुए कार्यकर्ते हैं उनके ऊपर जो चालू है वो सब चालू है, वो कोर्ट का है मामला, वो कोर्ट के अंदर चलेगा। अपन नहीं बोल सकते ना वो दोषी है बोल के, कोर्ट जिस दिन उसको क्लीन चिट देगा वो क्लियर हो जाएगा, जिस दिन क्लीन चिट नहीं देगा दोषी ठहरा है वो दोषी रहेगा हो जाएगी। नहीं, आपने तो पहले बोला ना भाई भ्रष्टाचारी है बोल के पहले। नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है मुदखेड़ नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हुआ है मुदखेड़ नगर परिषद में। भ्रष्टाचार करने के लिए मुदखेड़ के नगर सेवक, नगर अध्यक्ष, मुदखेड़ के मुख्य अधिकारी और मुदखेड़ में काम करने वाली एजेंसी, इनका तालमेल है। अब उनका उनको गाइड करने वाला अशोक चव्हाण है, इसकी वजह से हमने बोले अशोक चव्हाण बोगस बिल निकालने के लिए मुदखेड़ में दाखिल है। ये थे ओबीसी सेल जिला उपाध्यक्ष बाबू गोपनपल्ले।